हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ छात्र देखें, यदि हमने मान लिया कि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल वन और साइन वाई का डिफरेंशियल कितना होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स कितनी हो जाएगी वैल्यू, वन अपॉन कॉस वाई। हम जानते हैं कि कॉस वाई इक्वल रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसको हम और सिंपल करते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल वन माइनस रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, और साइन वाई इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर अभी इसको वाई रहने देते हैं, इसको आगे हल करते हैं तो वन अपॉन रूट वन माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स है तो साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, डी वाई बाई डी एक्स की। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है। तो हम यहाँ पर वाई इक्वल टू लिख के चलेंगे, टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन वाई। अब हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन वन और टेन वाई का डिफरेंशियल कितना होगा, sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इक्वल टू वन अपॉन sec स्क्वायर वाई। इसको हम आगे और सिंपल करते हैं तो sec स्क्वायर वाई हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। हम यहाँ पर टेन वाई की वैल्यू रख देंगे तो हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वन अपॉन वन प्लस एक्स, टेन वाई इक्वल टू एक्स है तो टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चे ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड कॉस sec इनवर्स, इनके डेरिवेटिव क्या होंगे ये लिखे हुए हैं, बच्चे नोट कर लें। इनका आप हल करने भी देखें और ये फार्मूले हमको क्वेश्चंस में जरूर पड़ती हैं तो इनको ध्यान से नोट करेंगे। नेक्स्ट है कि हमको अगला क्वेश्चन नंबर टेंथ हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर रख पुट करते थे वैल्यू एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस
tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. हमको मालूम है कि 3 tan theta equal, ये इसका फार्मूला होता है tan 3 theta. इसको हम सिंपल करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 theta, तो dy upon d theta equal 3. अब हमने यहाँ पर थीटा x इक्वल टू tan थीटा लिया हुआ था, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x. और यदि हम x के हिसाब से इसको अवकलन करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो हमको चाहिए dy अपॉन dx, इसका मान होगा dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx. तो dy अपॉन d थीटा है 3 और d थीटा अपॉन dx है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो आपका आंसर हो गया 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ये आपका आंसर हो गया करेक्ट. इसी प्रकार से सभी छात्रों को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 11, 12, 13 और 14. इनके हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के में जो फार्मूले हैं उनको यूज़ करके इनको सॉल्व करना है. तो इन सबको सॉल्व करके चेक करेंगे और हमको अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप बच्चे ग्रुप में हमको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हम इसको सॉल्व करा देंगे. ओके, थैंक यू.